Hello students, hope you all are fine at home and keeping your health good. Let us start up a new chapter, that is direct and inverse proportion. First of all, we will discuss about direct proportion. What is direct proportion? For suppose we have taken two numbers, that is x and y. X and y कोई दो टर्म्स है. फॉर सपोज ओके, जब x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो y क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर, हमारे पास कार है, वो कार 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर चल रही है. ठीक है, अगर हमने 10 मिनट्स लेते हैं आगे जाके, तो क्या होगा, वो 2 किलोमीटर चल रही है. अभी 15 मिनट्स लिया हमने, तो कितना होगा, 3 किलोमीटर चल रही है. ठीक है, 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर, 10 मिनट्स में इट गोज 2 किलोमीटर, 15 मिनट्स में 3 किलोमीटर हमारी कार जो है वो चल रही है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब टाइम बढ़ रहा है तो साथ में हमारा किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं साथ में. जब ये इंक्रीज होगा तब ये भी इंक्रीज होगा. इसको हम x सपोज कर रहे हैं और इसको y सपोज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे टाइम को हमने x सपोज किया है और हमारे डिस्टेंस को y. प्रोपोर्शन इज व्हाट, x अपॉन y. ठीक है, x अपॉन y जो है हमारा प्रोपोर्शन होगा. सो 5 अपॉन 1 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 5. अगर हम 10 अपॉन 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज ऑल्सो 5. अगर हम लेते हैं 15 अपॉन 3 तो वो भी क्या होगा, 5. आपको यहाँ पे 5 जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन y जो है वो कांस्टेंट मिलेगा. उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, के जो है वो हमारा होगा कांस्टेंट. जब हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा. मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने 5 अपॉन 1 किया, दैट इज़ ऑल्सो सेम. 10 अपॉन 2 किया तो वो भी सेम मिला. 15 अपॉन 3 मिला तो वो भी, 15 अपॉन 3 किया तो वो भी हमें 5 मिला. ओके, तो आवर आंसर आर सेम. तो वो क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट आंसर सेम ही रह रहा है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. फॉर सपोज आपको दिया है 1 किलो केक का प्राइस जो है वो है 300 रुपीज़. 1 किलो केक की प्राइस हमें पता है, दैट इज 300 रुपीज़. वी हैव टू फाइंड द प्राइस फॉर 5 किलो केक. 5 किलो का हमें प्राइस ढूंढना है, दैट इज इन आवर जनरल, मतलब हमारी रोजिंदा चीज़ें हैं, उसी से मैंने एग्जांपल लिया है. मतलब कि अगर हमें केक बाय करना है, 1 केजी का प्राइस उसमें गिवन है हमारे लिस्ट में, दैट इज ऑफ 300 रुपीज़. वी हैव टू, हमें बाय करनी है 5 किलो केक, तो उसका प्राइस हम कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे हम, 5 को 300 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 × 300 / 1. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 5 × 3 = 15, आंसर मिलेगा 1500 रुपीज़. ये किसका एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जब हमारी केक का, मतलब केक का साइज बढ़ रहा है तब हमारे रुपीस भी बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सेम एज अगर हमें वन गारमेंट शॉप में जाते हैं, लेकिन कपड़े नहीं, हम मटेरियल बाय कर रहे हैं, 1 मीटर मटेरियल का प्राइस गिवन है हमें 200 रुपीज़. ओके, वी हैव टू बाय, फॉर सपोज वी हैव टू बाय 7 मीटर मटेरियल. ओके, 7 मीटर का मटेरियल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x सपोज कर लेंगे. x की प्राइस हमें कैसे मिलेगी, 1 × x = 7 × 200. x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1400 रुपीज़. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल, मतलब हम हमारी रोजिंदा चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों का. अगर हमें केक का प्राइस चाहिए, अगर हमें गारमेंट, मतलब हमारे क्लोथ का प्राइस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शंस. ओके, सो यहाँ पे हमें मिला आंसर 1400. जब हमारे, हम हमारी मटेरियल की क्वान्टिटी बढ़ाएंगे तो हमारी प्राइस जो है वो भी साथ में इंक्रीज होगी. ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन.